कैसे हैं आप लोग? मैरुक की और हमारे YouTube चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल चल रहा था चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था बहुत चीज प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड। तो आज भी कुछ टॉपिक है, ये प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड टॉपिक है। फिर यहाँ से जो है अगला चैप्टर नंबर 3 जो है सिंधु सभ्यता, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर सिंधु तो फिर इसके बाद जो है आगे वाले वीडियो में सिंधु सभ्यता से आगे चलेगा। तब तक हम इसको इसमें जो जो स्टडी है इसको कर जो जो है इसमें स्टडी कर लेते हैं इसको, और देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या छूटा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर, सबसे प्राचीन नगर किसको माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आई ऋतिक रोशन की, आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी बहुत नॉलेज है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधी भाषा में, संदर्भ भाषा में जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो, यहाँ सिंधी भाषा तो नहीं पूछेगा आपसे, सीधा कहेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। असम का श्वेत भ्रू गिबन है ना, असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानभाव कपि है। असम का श्वेत भू गिबन, असम का जो श्वेत भू गिबन है यह भारत में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है? मानभाव का, मानभाव कपि। कपि मतलब क्या होता है? बंदर। तो मानभाव कपि है। तो असम का श्वेत भू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानभाव कपि है। आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण युग की, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती इनाम गांव थी। क्या नाम है इसका बस्ती का? इनाम गांव। ताम्रपाषाण युग की, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती का नाम क्या था? इनाम गांव थी। तो ये ताम्र युग की बस्ती है, एक बड़ी बस्ती है जिसका नाम क्या थी? तो इसका नाम था इनाम गांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव का संबंध जोरवे संस्कृति है ना, जोरवे संस्कृति से है। ये जो इनाम गांव है, इस इनाम गांव का संबंध किससे था? जोरवे संस्कृति से। अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि ताम्र युग की जो सबसे बड़ी बस्ती थी इनाम गांव, उस इनाम गांव का जो सांस्कृतिक संबंध था किससे था? तो गांव का संबंध जो था वो जोरवे संस्कृति से था। जोरवे संस्कृति से है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में शिवालिक की पहाड़ी, ये जो शिवालिक की पहाड़ी है, तो भारत में शिवालिक की पहाड़ी है उससे हम लोगों क्या है? जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जीवाश्म का प्रमाण किससे मिला है? भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में है ना, अपना देश भारत में मनुष्य संबंधी क्या कह रहा है? भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहां से मिला है? तो ये मिला है नर्मदा घाटी में। कहां मिला है? नर्मदा घाटी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्य संबंधी प्रमाण सबसे पहले कहां मिला? तो सबसे पहला प्रमाण जो है यह नर्मदा घाटी में मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, ये जो वर्ड है रिजले, इसको याद रखना है ना, रिजले, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो भारत की जनसंख्या का जो विभेदीकरण किया गया, भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण जो किया गया, ये सबसे पहले किसने किया? रिजले। उस भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी का नाम क्या था? रिजले। क्या नाम था? रिजले। तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह वाला, इसको ध्यान में रखना है ना। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे? रिजले। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। और यहां पर इस पॉइंट के साथ जो है आपका प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो जाता है।
और इसके बाद तीसरा चैप्टर है सिंधु सभ्यता, जो अब स्टार्ट हो जाती है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड में भी, पार्ट वन में मैक्सिमम है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अब जो है ना सिंधु सभ्यता स्टार्ट होता है, तो आप देखिए सिंधु सभ्यता में कैसे इसका खुदाई वगैरह या इसमें क्या क्या, यहाँ से आपका पूरा स्थल क्या क्या है, तो सब चीज़ चौधरी के बारे में चारों तरफ क्या क्या था, इन चीज़ों की जानकारी हम लोगों को मिलेगी सिंधु सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहला देखिए क्या है, कार्बन 14 है ना, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। देखिए 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है ना, इस बात को याद रखना है। क्या चीज़, किसका, किसके बारे में मानी गई है, ये सिंधु सभ्यता, ये ना कार्बन, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति से। C14 क्या है, किसी कोई भी मान लीजिए कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी ऐसा कार्बनिक तत्व, जैसे आदमी वगैरह भी अगर कहीं पर दफन रहता है या बहुत दिन के बाद जब उसकी खुदाई की जाती है, तो ये जो C14 है कार्बन 14 पद्धति द्वारा यह पता लगाया जाता है कि यह चीज़ कितनी पुरानी है, यह चीज़ कितना दिन पुराना है, इसका पता लगाने के लिए जो कार्बन डेटिंग में रेडियो कार्बन 14 सी कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा जो पता लगाई जाती है कि कितना पुराना है, तो उसी से यह बात पता चली है। रेडियो कार्बन 14 पद्धति जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अगर आपसे पूछता है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कितनी है, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है ना, इसको याद रखना ऑब्जेक्टिव में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने की। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछी गई है कि अब सबके जुबान पर है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता उसको ये बात मालूम नहीं होगा। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रागैतिहासिक है ना, सिंधु सभ्यता के प्रागैतिहासिक है ना प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। देखिए सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, तो प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक का अर्थ हम लोगों को मालूम था, डिफिनेशन ही मालूम था, प्रागैतिहासिक वह इतिहास हुआ जिसका कि लिखित विवरण नहीं है उसको माना गया है, या उसका लिखित कोई भी उद्धरण या विवरण उपस्थित नहीं है, तो उसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो वही कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रागैतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य या ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। तो प्रागैतिहासिक युग में रखिए अथवा कांस्य युग में रखिए, किसको, सैंधव सभ्यता को, इसके बारे में कह रहा है। तो सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़, सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो ये जो दोनों बात कहा, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी क्या थे, द्रविड़ थे, इस बात को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय भी थे और द्रविड़ भी थे। तो द्रविड़ जो हुई, द्रविड़ क्या हुआ, यहाँ के निवासी का नाम हुआ उनका द्रविड़, और ये हैं कहाँ, तो भूमध्य सागरीय भी थे। तो इन दोनों चीज़ को, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय को याद रखना है। अब देखिए यहाँ आगे है, आगे सिंधु सभ्यता के जो पूरा तत्व, पूरा स्थल है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल, यहाँ का क्या कहा, पश्चिमी पुरा स्थल, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान है ना। अब मान लीजिए अगर यदि जब सिंधु सभ्यता का खुदाई किया गया, या जब उसका उसके ऊपर जब पूरा रिसर्च होना शुरू किया, करना शुरू किया, तो इसके चारों ओर की चौहद्दी कहाँ कहाँ से क्या क्या पूरा स्थल मिला, क्या क्या, जैसे यहाँ है सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी, ये नदी का नाम क्या है, दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान है में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात है पश्चिमी पुरा स्थल, कि पुरा स्थल मतलब आप क्या समझते हैं, पुरा स्थल क्या होता है, या पुरा स्थल किसको कहते हैं। तो देखिए पुरा स्थल है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का
शेष अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें छोड़ गए, तो उन वस्तु बाद में जो उनकी खुदाई में उन चीजों का जो मिलना होता है, उस प्रोसेस को मिलने के बाद उन चीजों को क्या कहा जाता है? पुरास्थल। तो ये था पुरास्थल का डिफिनेशन, कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का शेष अवशेष मिलते हैं, है ना। जैसे औजार मिला, बर्तन, इमारत टूटा फूटा या बहुत दिन से गिरा हुआ पड़ा हुआ मलबे में दबा हुआ बहुत बहुत दिन तक रखा हुआ, तो ऐसी चीज वस्तुओं का शेष अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। अब कोई बर्तन का हो सकता है, अभी आप खुदाई में बहुत चीज मिलता है, तो उस समय लोगों ने उन चीजों को यूज किया था, तो अपने काम के लिए निर्माण किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। बाद में कोई ऐसी घटना हुई या फिर कोई ऐसा आपदा आया जिनमें वो उनका क्या हो गया, देहांत हो गया, वो चल बसे और वो चीजें क्या होगी वहां पर छूट गई, जो इतने दिनों के बाद खुदाई में बहुत बहुत साल के बाद। अब यहाँ देखिए 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, कितना समय पहले की बात है, तो खुदाई में उन चीजों का मिलना ये क्या कहलाता है? पुरास्थल। तो वही पुरास्थल जहां जहां पर जो चीजें मिली है उनके बारे में, तो पश्चिमी पुरास्थल में कहाँ है? दास्क नदी के किनारे स्थित कहाँ है? सुतका गेंडोर, जो कहाँ है? बलूचिस्तान में। और देखिए यह है पूर्वी पुरास्थल, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर, है ना, आलमगीरपुर जो जिला मेरठ है और अभी क्या है उत्तर प्रदेश में, है ना, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश में है। और है उत्तरी पुरास्थल, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी, उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी, है ना। तो ये क्या है? सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट, कहाँ पर? अखनूर के निकट मांदा, है ना, मांदा जम्मू कश्मीर में, मांदा जम्मू कश्मीर में, अभी वर्तमान में जो मांदा है ये कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। और अगला है दक्षिणी पुरास्थल, तो सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर, कहाँ पर कर रहे हैं? गोदावरी नदी के तट पर, है ना, दाइमाबाद, कहाँ पर? दाइमाबाद, जो जिला अहमदनगर है अभी और महाराष्ट्र में है, जिला अहमदनगर और महाराष्ट्र। तो ये सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई उनकी चौहद्दी थी चारों तरफ की, कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास नदी किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, और पूर्वी पुरास्थल जो है हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ और यूपी में है। और है उत्तरी पुरास्थल जो है सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट है और ये मांदा जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो ये था अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड अब चैप्टर है। तो इसके बाद जो आगे सिंधु सभ्यता में जो चीज़ें आएंगी तो हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन पढ़ेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईयरफोन लगाना है कान में और शांति से आप ठंडा का मौसम है सोइए और इसको देखते रहिए, एकदम एक एक पॉइंट को देखिए। इसमें एक हर दिन कम से कम 20 या 25 ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसका ख्याल रखिए और उसको ढंग से याद कीजिए, बार बार पढ़ेंगे जरूर याद हो जाएगा आपको। धन्यवाद, स्वस्थ रहें और वृद्धजनों की सेवा करें। धन्यवाद।